तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड यार मैं आप लोगों को एक टास्क देने वाला हूं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं यार, जितने भी लोग मेरे को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का जो इंट्रो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड करेंगे अपनी वीडियो बना के, तो उनकी जो वीडियो है वो मैं यूज करने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ऐसे ही मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर शाउट आउट देने वाला हूं, तो जल्दी से यार मेरे को टैग करो अपनी स्टोरीज में। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है जोनाथन को लेकर। तो जोनाथन है, उन्होंने जब स्ट्रीम करी थी तो उनकी जो स्ट्रीम है वो हमारे को ट्रेंडिंग लिस्ट में देखने को मिली एंड टॉप पे वो हमें देखने को मिली, एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है नियो को लेके। तो जो नियो है जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो वहां पे वो क्लिप्स वगैरह देख रहे थे गॉड लाइक की, एंड इसके यहां पे उन्होंने बात करी थी फिक्सेस एंड मेजी के बारे में। तो काफी लोग उनको ये चीज बोल रहे थे कि जो फिक्सेस एंड मेजी है वो टारगेट करते हैं गॉड लाइक को, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। हो रहा है डीकेएम लेकर भी नहीं हो पाया, अब तेरे को तो मैं क्या ही बोलूं, विवाद हो जाएगा, अकेले बोलूंगा तो फंस जाऊंगा और बहुत सारी चीज है। जो भी हो, अगर वो कुछ बोलता भी है तो उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, अगर हम अच्छा खेलेंगे तो सब अपने को अच्छा ही लगेगा, कि फिर ऐसे लगेगा अपने को कि मेजी अपना सपोर्टर है। बट हाँ ये है कि वो कभी कभी ट्रोल करता है, सरकाज़म में टॉन्ट मारता है, देखा है मैं वो कि ऑफिशियल मतलब ये कोई तो भी एक दिन में देखा था, कोई तो स्ट्रीम के चैट में आके लिख रहा था गॉडल फॉर द विन और तुम लोग वो टूर्नामेंट बहुत गंदा, मतलब वो समझ जाता है अपने को, अपन बच्चे लिए अपने को समझ जाता है कि वो टॉन्ट मार रहे हैं, वो सरकाज़म में गांड मार रहे हैं, तो वो सब चीजें बस उसको नहीं करना चाहिए एज अ कास्टर, इतना बड़ा कास्टर है, ऑफिशियल टूर्नामेंट का कास्टर है, तो वो सब चीजें नहीं करना चाहिए उसको, बस टॉन्ट मारना सरकाज़म में, बाकी सब तो सही है उसका। फिक्सेस रोज टारगेट करता है, देखो यार अगर जितने जो भी है अगर उनका कंटेंट इसी से बन रहा है तो बने, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम उनका नाम लेके और बूस्ट करके मतलब नहीं है, अगर उनका कंटेंट हमारे नाम से चल रहा है तो चलने दे। God like jelly, the IGL. ए भाई अभी क्या है, जब खराब खेलते तब सब गांड मारने आते हैं, मार लो। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है स्काउट को लेके। तो स्काउट है, उन्होंने बात करी थी अपने रिटायरमेंट से रिलेटेड, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। मैं इतना कमाया कभी अल्टो का नहीं सोचा यार, वो कंफर्ट जोन है ना मेरे भाइयों, वो कंफर्ट जोन है, जिस दिन स्पोर्ट से रिटायरमेंट लेंगे उसका अगले महीने ही निकल जाएंगे भाई वर्ल्ड टूर पे। अभी वर्ल्ड टूर का नहीं सोचा क्योंकि स्पोर्ट है, जब स्पोर्ट से रिटायरमेंट लेंगे तब हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, अभी रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया यार, कोई कितना बोला मुझे मेरे पे भरोसा है, मैं कर सकता हूँ, मुझे खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा उस दिन रिटायरमेंट लूंगा, हे कॉन्फिडेंस है मेरे को, किसी के बोलने से मैं अपने आप को सेट नहीं कर सकता, मैं अपनी लिमिट सेट नहीं कर सकता, किसी नोन बंदे, किसी एडुकेटेड बंदे या फिर किसी अननोन बंदे के बोलने से अपना लिमिटेशन थोड़ी ये करूंगा। को ज्वाइन कर लिया है, तो इस चीज के ऊपर जो ऋषि भाई उनसे काफी लोग पूछ रहे थे कि रेवरेंट एंड जी जो है वो एफिलिएट है, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा एंड इस पे क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। Rossi joined Revenant, yes. Rossi has joined Revenant Esports for this year's VCL SA. मजा आने वाला है बड़ा। मैंने ये वैसे ऑनलाइन ट्विटर पे भी बोला है, बट ये साल का VCL SA थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज द काइंड ऑफ मैचअप्स दैट आर गोइंग टू बी देयर इन चैलेंजर्स, अब आएगा मजा। Revenant and GE affiliate, no. Revenant and GE are not affiliated in any way, which is good friends with them. You know. इसके बाद जो ऋषि भाई हैं उन्होंने बात करी थी BGMI के international slots से related, तो उन्होंने इस पे क्या बताया वो भी आप लोग देख लो। Any chance for international slots? Yes, VCT में already है और BGMI की भी बात कर रहे हैं. We are trying to figure it out. के बाद काफी लोग उनसे ये चीज भी बोल रहे थे कि शार्क टैंक का सीजन 3 है उसमें जी जो है वो क्यों नहीं जाती है, तो इस चीज पे उन्होंने रिवील किया कि उनको जो शार्क टैंक सीजन 1 था उसका ऑफर आया था, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। एक्स आरएनटी कब, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट, इट्स हार्ड टू से ऑनेस्टली। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है जो BGMI है उसकी डेली लिमिट है 6 आवर्स की, तो जो आईफ्लिक है उन्होंने एक इंसिडेंट को शेयर किया था जो कि एचएस से रिलेटेड हुआ था, तो आईक्यू के मैचेस चल रहे थे वहां पे उनके प्लेयर्स की जो 6 आवर्स की लिमिट है वो कंप्लीट हो जाती है, एंड इसके बाद यार वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं टूर्नामेंट में, तो जो आईफ्लिक है उन्होंने इनके POVs वगैरह दिखाई थे, तो क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं।
Brother, this is the player's mistake. He should save time on his account and create a second account for practice. Yes, bro, ये player का ही mistake है. यही मैंने उनको भी बोला है. So, you know, it's not. Still, you cannot put it on the, you know, team. Even day one पे जो हगा है, वो उधर भी अगर अच्छा खेल लेता, तो day two पे तो थोड़ा breathing space मिल जाता. और एक player का गया है. Connection होगा तो. ये तो एक player का. दो player का साला आज साथ में चला गया. ऑफ कोर्स साला ये दोनों ने क्या किया. ये एक दूसरा प्लेयर मर गया. मैं मर गया. अरे यू आर डेली बिचारे लोग यार. अच्छा क्वेश्चन. अरे अपना ही जा रहा है. अरे अभी रिएक्शन बहुत तगड़ा. अरे यार माँ का भोसड़ा भाई इंटरनेट की. अरे यू आर डेली लिमिट. अरे मैं आपकी छूट भाई. अरे बैठ की लड़ी आराम से बेटा भी सकता था. करनी होता है आराम से ये कर सकता था ये वाला मैच. इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है जो अल्ट्रॉन है वो अभी के लिए किसी भी टीम में नहीं है. इन्होंने रीजन बताया था कि क्यों कुछ टीम्स जो है वो उनको नहीं ले रही है. तो इस पे उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं. और भी है कि क्यों मुझे कोई टीम एक दो प्लेयर ऐसे मैं जानता हूँ उन्होंने क्यों मना किया है. वो बड़ी स्टूपिड रीजन है. वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उनके जेब से सैलरी जा रही है या उनके पापा सैलरी दे रहे हैं. तो वो मना कर देते हैं कि क्या बोलते हैं इसे ऑर्ग में नहीं लेते हैं अपनी टीम को वरना हमारी सैलरी पे बात आ जाए. मतलब जैसे उनके बाप के से सैलरी जा रही है. खैर क्या कर सकते हैं. एक दो टीम ने तो ऐसे मना किया वरना उनकी टीम में तो हो जाता अगर उनमें ये ईगो ना आई होती तो या ये सोच ना आई होती ये मेंटेलिटी ना आई होती तो. बट क्या कर सकते हैं भाई. इसके बाद जो नहीं है उन्होंने बात करी थी जोकर की हवेली के बारे में. तो उन्हें इस पर रिएक्ट करते हुए क्या कहा वो भी आप लोग देख लो. पोस्ट भी करी है. सबसे हार्ड वर्किंग और सबसे ज्यादा अच्छा मेरे को मतलब नो मतलब सीरियसली मेरे को सबसे ज्यादा हार्ड वर्क सबसे ज्यादा ब्रो मतलब बंदे का फैमिली होने के बाद भी बंदा अगर ये चीज को मतलब भाई करता है ब्रो उसका कंटेंट में देखता हूँ. बहुत अच्छा बंदा है. बहुत हम्बल बंदा है और उसको वैसे ही रहना चाहिए. मस्त है. हैप्पी बर्थडे टू चोकर भाई. ये क्या एंड इसके बाद जो मेजी है जब वो लाइव आए थे तो काफी लोग उनकी चैट में ये चीज लिख रहे थे कि जो नियो है वो ने आपसे रिलेटेड बात करी है. तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिएक्ट करा और उस पे क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं. तो शिवम भाई नियो रिप्लाई टू यू. अरे मैंने नियो को क्या बोला वो जो मुझे रिप्लाई देगा. पहले किसी को बोलना होता है फिर वो सामने वाला रिप्लाई देता है ना. मैंने तो कुछ बोला ही नहीं. नियो अब्यूज किया भाई तुमको क्यों. व्हाट इज द रीजन. मैंने तो कुछ नहीं बोला और अगर मैंने कुछ बोला भी होगा तो उसमें गाली देने वाली बात क्या आ जाती है. खैर पुरानी क्लिप से कंट्रोल स्टार्ट कर रहा वो रेलेवेंट भी तो रहना है. मतलब सच में कुछ हुआ है क्या. मैंने एक्चुअली मैंने देखा. मैं पिछले 3-4 दिनों से खाली सो रहा हूं. पिछले 3-4 दिनों से खाली सो रहा हूं. रिवर्सी हो जाएगा. मैं क्यों कम बोलूं रे. ये क्या बात होती है. थोड़ा कम बोला करो से क्या मतलब होता है. मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या किसी के लिए. विवाद हो जाएगा. अकेले बोलूंगा तो फंस जाऊंगा और बहुत सारी चीज है. मेजी जो भी होगा अगर वो कुछ बोलता भी है तो उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है. देखो हम लोग अच्छा खेलेंगे तो सब अपने को अच्छा ही लगेगा कि फिर ऐसा लगेगा अपने को कि मेजी अपना सपोर्टर है. बट हाँ ये है कि वो कभी कभी ट्रोल करता है. सरकैज़म में टॉन्ट मारता है. देखा है मैं वो कि ऑफिशियल मतलब ये कोई तो भी एक दिन मैं देखा था कोई तो स्ट्रीम के चैट में आके लिख रहा था गॉडल फॉर द विन. ऑल दो हम लोग टूर्नामेंट बहुत गंदा मतलब वो समझ जाता है अपने को. अपन बच्चे लिए अपने को समझ जाता है कि वो टॉन्ट मार रहे हैं वो सरकैज़म में मार रहे हैं.
तो वो सब चीजें बस उसको नहीं करना चाहिए एज अ कास्टर इतने बड़े। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? अगर मैं एक ऑडियंस हूं, ठीक है, अगर मैं ऑडियंस हूं और ऑडियंस हो के अगर मैं चैट सेक्शन में लिख रहा हूं गॉडली FTW, हाइड्रा FTW, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? आप यहां पर अगर आके अपने ओपिनियंस दे रहे हो अपने चैनल पर, मैं अपने चैनल पे वो ओपिनियन क्यों नहीं दे सकता? मैं अगर कोई इवेंट एज एन ऑडियंस देख रहा हूं, तो मैं वहां वो चीज क्यों नहीं कर सकता? आप भी तो वो चीज यहां पर कर रहे हो ना। अगर देखो, ऐसा नहीं है कि मैं खाली गॉडलाइक FTW लिख रहा था, मैं वहां पर हाइड्रा FTW लिख रहा था, मैंने वहां पर जी के लिए लिखा, वहां पर मावी आया, मावी मैंने जैसे ही लिखा था कि जी चिकन डिनर लेगी, वैसे ही मावी आया, उसने लिखा कि जोन का थोड़ा वीटी हो गया, तो पता चला कि भाई वो पहले से ही एलिमिनेट हो गया। मावी लिखता है साढ़े मेजी, तो अब इसमें मावी को थोड़ी ना बुरा लग जाएगा कि भाई हमारे लिए ऐसे कैसे बोल दिया। अबे मैं उस डेस्क पे नहीं बैठा हूं भाई, मैं वहां कास्टिंग नहीं कर रहा हूं ना, मैं एज अ ऑडियंस वहां देख रहा हूं, और एज अ ऑडियंस भी मुझे इस चीज की फ्रीडम नहीं है क्या कि मैं किसी टीम के लिए वहां कुछ लिख पाऊं? ना मैं उस इवेंट का हिस्सा हूं, ना मैं वो इवेंट कास्ट कर रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? अगर आप अपने इवेंट पे बैठ के, अपने चैनल पे बैठ के ये सारी चीजें बोल सकते हैं, तो मैं अपने चैनल पे बैठ के रिएक्शंस क्यों नहीं दे सकता? ना मैं किसी को गाली दे रहा हूं, ना मैं किसी को गलत बोल रहा हूं, हम हंसी मजाक कर रहे, सारी चीजें कर रहे, तो सेंसलेस बातों का मतलब क्या? मुझे सच में ये चीज समझ नहीं आती कि ये क्या चीज है कि जब भी कुछ कोई कास्टर बोलता है कि भाई अपने चैनल पे बैठ के अगर कुछ बोलता है कि चलो ठीक है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं तो भाई वो भी नहीं बोलता बाकी कास्टर्स की तरह। अगर 2020 की तरह मैं वापस से बोलना चालू करूं, तो मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी सुन पाएगा। ठीक है, जो मैंने सोल के लिए बोला है, जो मैंने 8-bit के लिए बोला है, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको पता होगा मैंने क्या क्या चीजें नहीं बोली है उनके लिए। ठीक है, अगर वो सारी चीजें मैं अब सच में वापस से बोलना चालू करूं, मुझे नहीं लगता ये लोग सुन पाएंगे। तो प्रॉब्लम बस इस चीज की है कि भाई अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, मैं फ्री हूं कि अगर कोई इवेंट देख रहा हूं तो एज अ व्यूअर मैं वहां पे कुछ भी लिख सकूं, ट्रोल कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं वो तुम उनको डिसाइड करने दो, जिन्होंने मुझे मॉड बनाया है। ठीक है, जाओ उनको बोल दो कि भैया मेरे को मॉडरेटर से हटा दें, मैं भी एक नॉर्मल व्यूअर में आ जाऊंगा, फिर मैं भी स्पैम करूंगा, फिर मुझे भी टाइम आउट पड़ेगा। ठीक है, नॉडविन है, आप नॉडविन को जाके बोलो कि भैया मॉडरेटर से मेजी को हटा दो, वो हमें ट्रोल कर रहा है, हम नहीं सह सकते। ठीक है, ये जस्ट केवल गॉडलाइक के लिए नहीं है, ये हाइड्रा फैंस के लिए भी है। अगर हाइड्रा फैंस को लगता है कि मैं वहां पे ट्रोल कर रहा हूं, तो भाई जाओ और हाइड्रा फैंस जाके बोलो कि मेजी को मॉडरेटर से हटा दो। ठीक है, बस इतना। कास्टर ऑफिशियल टूर्नामेंट का कास्टर है, तो वो सब चीजें नहीं करना चाहिए उसको, बस बाकी सब तो सही है उसका, फिक्सेस सारी चीजें बोल दो, लास्ट में बोल दो बाकी सारी चीजें सही है। चैट सेक्शन में मेरे स्पैम हो रहा है, मेजी तेरे को नियो ने तोड़ दिया, लास्ट में बोल दो बाकी सारी चीजें सही है। वाह, नाइस, बहुत सारी चीजें सही है, अच्छी बात कुछ टारगेट करता है। देखो यार, अगर जितने जो भी है अगर उनका कंटेंट इसी से बन रहा है तो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम ये चीज सही है, ये चीज से मैं कभी डिक्लाइन करता हूं नहीं, मैं कभी भी मना किया हूं नहीं कि जो टीम्स हैं जो खेल रही हैं उनसे ही हमारा कंटेंट बनता है। मैं कभी भी अपने स्ट्रीम पे आके नहीं बोला हूं कि भाई मेरा अपना कोई कंटेंट है। ठीक है, 30 डेज चैलेंज मैंने इसीलिए बंद किया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ पे कोई बैठ के मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं लगा कि भाई मैं बैठ के यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वो 30 डेज चैलेंज बंद कर दिया। मुझे वहां पे गेम खेलना था, मुझे वहां पे फिक्सिस को बोल रहा है, वो सबको बोल रहा है, वो मुझे पता है। सारे ऑफिशियल कास्टर्स हैं, ऑफिशियल कास्टर में फिक्सिस नहीं आता फिलहाल के लिए, आई एम सॉरी मेरा बाबू फिक्सिस, बैक टू वर्क, कैच यू लेटर, थैंक यू सो मच अनुराग सर, थैंक यू सो मच, आप अभी यहीं पर बैठे हुए थे, अरे आई एम सो सॉरी यार अनुराग सर के सामने तुम लोग बेइज्जती करा। ठीक है, रिएक्ट करना किसी पे वो मेरा कंटेंट नहीं है, और उसके बाद अगर मैं किसी के गेम प्ले पे कुछ ओपिनियन दे रहा हूँ वो मेरा कंटेंट नहीं है, पर हाँ उसमें मेरी तुम कह सकते हो कि मेरी रिसर्च है, जहां पे मैं रिसर्च करके बोलता हूँ कि भाई ये प्लेयर का पास इतना अच्छा था, अब ये इतना आगे जा सकता है, वैसा है। हालांकि अगेन अगर तुम लोग पूरा ओवरऑल देखोगे भाई मेरा कंटेंट नहीं है इसमें। ठीक है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ और मैं आगे भी कहता रहूंगा ये मेरा कंटेंट नहीं है। मुझे लगा था मेरा फोन आ जाएगा, उसके बाद हम लोग बीजीएमआई खेलेंगे, वैलोरेंट खेलेंगे, पर उसमें थोड़ा सा डिले हुआ,
वो डिले हुआ इसलिए मैंने 30 डेज चैलेंज अपना तोड़ दिया, तो वो वाला सीन है। ठीक है चलो, अब तुम लोगों ने जो कहा वो मैंने देख लिया, अब